आज की न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। सबसे पहले हमारे यहाँ पर कवाड़ सर, इनका जन्मदिन 75वां जन्मदिन है और सबसे पहले आज की न्यूज की तरफ से उनको बधाई है हमारे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो यहाँ पर आने का मकसद ये है कि यहाँ पर तीन प्रोग्राम थे, एक तो भीम जयंती, उसके बाद अम्बेडकर जयंती और इनका अमृत महोत्सव। तो आने का मकसद क्या है इनका, सबसे पहले ये पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ किन्वट में आने का मकसद। हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के नांदेड़ जिला के अध्यक्ष हमारे साथी भाई विनोद जी भरने, इन्होंने यहाँ के सभी लोगों को साथ में लेकर सार्वजनिक रूप से विश्वभूषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी जन्म जयंती आज यहाँ पर मनाई जा रही है। और इसके साथ साथ मेरे जीवन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का भी आयोजन आज के इस कार्यक्रम में किया गया है। इसी सिलसिले में हमें यहाँ पर आया था। हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र के पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के उपाध्यक्ष, नांदेड़ वाघाड़ा महानगर पालिका के हमारे नगर सेवक भाई गजभारे जी, बापूराज गजभारे, मराठवाड़ा के हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष गणेशराव पड़गन गुरुजी, महाराष्ट्र के जाने माने विद्वान, संविधान के बड़े चिंतक हमारे साथी डॉक्टर प्रशांत पगारी जी, महाराष्ट्र के हमारे बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और सम्राट अशोक जो भगवान बुद्ध का धर्म जिन्होंने अपनाया था और पूरे आशिया खंड में भगवान बुद्ध के धम्म के चक्र को घुमाने का काम जिन्होंने किया, वो सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध की बाबा साहब के विचारधारा को देश भर में पहुंचाने का काम करने वाले हमारे अशोक सिलवन जी पुणे से यहाँ पर आए हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथी धर्म सिंह जी राठौड़ भी यहाँ पर है। इन सभी लोग आज के इस समारोह में सम्मिलित होने के आए हैं। एक तो सबसे पहले मेरे जीवन का सबसे सुंदर क्षण अगर कोई होगा तो 16 साल के संघर्ष के बाद, कई कुर्बानियां बलिदान देने के बाद मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम मिला 14 अप्रैल 1994 में। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद और बहुत ही मौलिक क्षण मैं मानता हूँ। जिस मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम मिले, विधानसभा में पारित इस ठराव को सरकार अमल में लाए, इसके लिए जो 16 साल तक हमने जद्दोजहद किया, जो संघर्ष किया, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे बाबा साहब के तमाम समाज को, मेरे ओबीसी समाज को, मेरे बहुजन समाज को, कि उनके कुर्बानी, उनके त्याग और तपस्या के कारण नामांतर का सूरज उगा और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम मिला। इसके लिए लॉन्ग मार्च निकला था मैं 11 नवंबर 1979 में नागपुर के दीक्षाभूमि से लेकर औरंगाबाद के मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी तक, बीच में यहाँ सिंध के राजा में रोका गया, लाठी चली, गोलियाँ चली, कई महीनों तक जेल यात्रा हमारी शुरू रही, इसके बावजूद ये संघर्ष रुका नहीं। और ये संघर्ष केवल
एक विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने से बाबा साहब कोई बड़े होने वाले नहीं थे, वो तो विश्व वंदनीय महापुरुष है। हमारा सरोकार इस देश के संविधान, इस देश के प्रजातंत्र, इस देश के सांसदीय लोकशाही के प्रति था कि जिस विधानसभा में सर्वसम्मति से नामांतर का ठराव पारित होता है उसको अमल में लाने की जिम्मेदारी लोकशाही तरीके से हुआ। नामांतर का सवाल लोक प्रजातंत्र के इज्जत का सवाल था। हम नामांतर के लिए लड़ रहे थे ना, देश के प्रजातंत्र के इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश के आदर्शों की लड़ाई हम लड़ रहे थे। और इसीलिए इसमें आपको क्या कठिनाई और परेशानी है? बहुत परेशानी है। 16 साल तक ये तो मेरी इच्छा शक्ति के बदौलत मैं जिंदा रहा। आज आपका समाज आपके साथ था समझे? आज भी है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर ईमानदारी के साथ चल रहे हैं तब तक समाज साथ में है। ये बात है मेरे लिए, समाज की खासियत यह है कि वो समाज के लिए बाबा साहब के विचारों के लिए कर गुजर जाने की बात करने वाले कार्यकर्ता नेता को सर आंखों पर बिठाते हैं, लेकिन जब गद्दारी होती है तो उन्हीं को नीचे पटक देते हैं। ये हमारे समाज का एक विशेषता है। और इसीलिए जो संघर्ष नामांतर का हुआ, महाराष्ट्र के तमाम, देश के तमाम, मैं सारे देश भरे में ये नामांतर की लड़ाई पहुँचाए, चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, पूरे देश भर में नामांतर का एक इशू लेकर सारे देश में ये संघर्ष जगाने का काम हमने किया और देश के सभी लोगों ने हमें बड़ा साथ दिया। उसका परिणाम देख रहे हैं कि 14 जनवरी 1994 को मराठवाड़ा विश्वविद्यालय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय बना। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। मैं खासदार भी बना, मैं विधान परिषद में भी गया। खैरला जी का मसला हुआ, आप जानते हैं, खैरला जी में आपने राजीनामा दिए थे, बौद्धों के भूतपांगे परिवार को किस तरह से महिलाओं पर बलात्कार हुआ, पूरे परिवार को काटा गया, मारा गया। भीमा कोरेगांव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो जब समाज के सम्मान का सवाल आता है और जब हमें लगता है कि शासन प्रशासन हमें इंसाफ नहीं देता मेरे समाज को, तो ऐसे सत्ता में रह के क्या फायदा। और इसीलिए हमने जब खैरलाल जी के अत्याचार पर सरकार ने हमें न्याय नहीं दिया, समाज को न्याय नहीं दिया, तो हमने अपने विधायक पद का इस्तीफा सरकार के मुंह पर फेंक कर मारा। ये लगातार चल रहा है। आपने जो सवाल पूछा है भीमा कोरेगांव की, कौन सी सरकार थी आपके टाइम पे? ये आघाड़ी की सरकार थी। अच्छा, तब आपने राजीनामा दिया सर? जी। अब उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया? तब बाद में अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया, बहुत दिनों तक केस चले, हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाइए, उनको सजा हो गई, वो अपील में सुप्रीम कोर्ट में गए, फांसी की सजा हुई, अभी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ मामला है। अब जब भीमा कोरेगांव के बारे में हम बात करें, ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। हमारे पुरखों ने एक बड़ी लड़ाई भीमा कोरेगांव के जंगे मैदान में लड़ी थी। 500 हमारे पुरखे थे वहाँ पर और पेशवाओं की 28,000 की फौज थी। 500 हमारे पुरखों ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को खात्मा करने का काम किया। अगर इसका भागाकार करें, 28 का भागाकार 500 से अगर करें तो उसका उत्तर आता है 56। हम कह जाए ना, तेरे लिए 56 देखे, 56 देखे। जब झगड़ा होता है ना, ये जो निकली है ना, वहां से निकली है, वहां से निकली है, भीमा कोरेगांव से। तो ये एक ऐतिहासिक मसला था। और लड़ाई किस चीज की थी? कोई जमीन की लड़ाई लड़ने रहे थे हमारे 500 पुरख, कोई धंधोलों की लड़ाई लड़ने रहे थे हमारे 500 पुरखे। वो पेशवाओं ने शनवारवाड़ा के उनके राजधानी से एक फतवा निकाला था, वहाँ के अछूतों के गले में एक मिट्टी का मटका
और कमर पे झाड़ू लटका दिया था। ये दुनिया में शायद ही किसी समाज के साथ इस प्रकार का नहीं हुआ, बदतमीजी का काम हुआ होगा। गुलाम सभी तरफ है जी, दुनिया में कई ठीक गुलामी प्रथा थी, गुलामों की प्रथा थी, लेकिन गुलामों के साथ भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। जो तो दलितों के गले में वो मटका, ताकि वो थूक आए तो जमीन बड़ा थूके, मटके में थूके, अगर जमीन गंदी हो जाएगी, वहां से ब्राह्मणों को चलना है, सवर्णों को चलना है, रास्ते पर के चलते चलते उसके पाँव के चिन्ह ने सड़क पर उतरना चाहिए, इसलिए पीछे झाड़ू लटका के ताकि वो आगे चल जाए, उसके पाँव के निशान मिटते जाए। सूरज जब तक सर पे नहीं आता तब तक अछूत उन्हें घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसकी छाया इधर से आता है सूरज तो छाया लंबी हो जाती है, वो अछूतों की छाया भी अगर सवर्णों के बदन पर गिरी तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की दुनिया में सबसे घिनौनी ये संस्कृति, ये व्यवस्था, ये धर्म व्यवस्था, समाज व्यवस्था, ये हमारे 500 पुरखे पहले पेशवाओं के पास में गए थे, जब अंग्रेज पूना पर हमला करने वाले थे कब्जा करने के लिए, तब हमारा सिद्धार्थ महार अपने 500 सैनिकों के साथ में पेशवाओं के तरफ गया और उनसे कहा कि हम आपके लिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हैं, हम पूना को बचाना चाहते हैं, लेकिन हमारी केवल एक शर्त है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये जो गुलामी का ये मटका हमारे गले में और कमर में झोल लटका है, ये टुकड़ा को निकाल दिए, जो लड़ाई जीतने के बाद इससे हमें मुक्त कीजिए। तो पेशवा ने जवाब दिया, लड़ाई जीते के बाद भी ये गुलामी का मटका नहीं हटेगा, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तब प्रक्षुब्ध होकर सिद्धार्थ महार अपने 500 सैनिकों को जाकर अंग्रेजों से मिले, ये सम्मान की लड़ाई थी, ये किसी का राज्य लुटने की लड़ाई नहीं थी, ये इस देश के तमाम अछूतों के, दलितों के, करोड़ों लोगों के सम्मान की लड़ाई थी, गुलामी से छुटकारा पाने की लड़ाई थी, सामाजिक गुलामगिरी की, धार्मिक गुलामगिरी से छुटकारा पाने की लड़ाई थी, वो लड़ाई लड़े और 500 हमारे पुरुखों ने 28,000 पेशवा के सेनाओं का खात्मा कर दिया। इस 1 जनवरी को पिछले 200 साल पूरे हुए जी, 200 साल हमारे 2018 में, ये 2018 पिछले जनवरी, ये हमारे पुरखों के वीरता का इतिहास है। बाबा साहब ने भी कहा था हमारे समाज के बारे में, आवर चीज मार्शल रेस, हमारी जमात लड़ाकू जमात है, वो वहाँ दिखा दिया उन्होंने दिमाग पड़ेगा। अब किसी को बुरा लगने की बात ही नहीं थी, मैं 37 वर्षों से हर साल 1 जनवरी को वहाँ पर जाता हूँ, आज तक कभी कोई वारदात नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई तंटा नहीं, कोई बखेड़ा नहीं, उल्टा रास्ते पर के जितने गांव लगते थे, आने वाले हजार लोगों को पानी पिलाना, शरबत पिलाना, आओ भगत करना, ये सारी सहयोग सहकारी की भावना थी, सहयोग की भावना थी। अब की बार मिलिंद एकबोटे संभाजी भिड़े, ये आरएसएस के नुमाइंदे, उन्होंने ये सारा वातावरण कलुषित करने का, विषाक्त करने का, जहरीला बनाने का पाप इन्होंने किया, और कुछ चंद अपने कुछ लोगों को इकट्ठा करके मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े इन्होंने 1 जनवरी को हमारे निशस्त्र जनता पर हमला किया। हम पत्थर लेकर, लाखों लोग थे उस पर, लाखों लोग, 15-20 लाख के करीब लोग थे, उधर नगर तक तो इधर माघोरी तक के सारे रास्ते जाम थे, इतनी भीड़ वहाँ पर थी, और हमारी माता बहनें, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े जवान सभी लोग थे, और सब लोग फूल लेकर गए थे वहाँ पर अपने विजय स्तंभ को समर्पित करने के लिए, अभिवादन करने के लिए। हम कोई पत्थर लेकर नहीं गए थे, हम कोई तलवार और लाठियाँ लेकर नहीं गए थे, हमारी माँ बहनें और हमारे बूढ़े। इन आरोपियों के बारे में क्या बोलेंगे? इसीलिए ये जो कायराना हमला हुआ, सजा मिलेंगी नहीं मिलेंगी क्या, ये कायराना हमला जो हमारे बौद्धों पर हुआ, हमने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया, इसके धिक्कार में महाराष्ट्र की जनता ने हमें सब साथ दिया,
मिलिंद एकबोटे को अरेस्ट किया जाए, संभाजी भिड़े को अरेस्ट किया जाए, ये मांग हमने की। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया, इसलिए मिलिंद एकबोटे को अरेस्ट किया सरकार, नहीं तो नहीं करती सरकार। संभाजी भिड़े आज तक फरार है जी, सरकार के देखरेख में फरार है, सरकार के आशीर्वाद से फरार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हम जब विधान परिषद में सवाल उठाया, डेढ़ घंटा तक चर्चा चली, हमने को सरकार कैसी तैसी कर दी, तब मुख्यमंत्री उत्तर देते वक्त कहा हमारे चर्चा को कि हमने रिटायर्ड जस्टिस हाईकोर्ट के अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी, जिसे क्या कहते हैं उसको, अदालती आयोग, अदालती आयोग बनाया है, और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सुमित मलिक उसके मेंबर हैं। इनका रिपोर्ट आने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उस प्रकार के हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कमेटी का काम भी शुरू नहीं हुआ, इंक्वायरी नहीं हुई, रिपोर्ट नहीं आया, इसके बावजूद संभाजी भिड़े को क्लीन चिट दे दिया महाराष्ट्र के सरकार ने। यानी इस प्रकार हमारे देश में दो प्रकार के नियम है, कानून बनते हैं, एक खास लोगों के लिए अलग कानून है, एक आम लोगों के लिए अलग कानून है। हम आम लोगों में आते हैं और इसीलिए हमारा ये जद्दोजहद अभी भी चल रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाए ना। आप ही ने कहा था उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के माध्यम से इंक्वायरी करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको कार्रवाई करेंगे। इंक्वायरी कमेटी अभी बैठी है, कल अखबार में उसकी एडवर्टीजमेंट आई है वो इंक्वायरी कमीशन का, कि जिनको अपना एफिडेविट देना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना था, आप जाकर दीजिए। तो कम से कम तब तक तो रुक जाना चाहिए था ना, लेकिन पहले ही यानी इंडिकेशन दे दिया इंक्वायरी कमीशन को, महाराष्ट्र के सरकार ने इंडिकेशन दे दिया कि संभाजी भिड़े को आपको बचाना है, ये कह के बोल दिया उन्होंने। अरे संभाजी भिड़े को क्लीन चिट देने के बाद अब कमीशन काम शुरू हुआ, तो कमीशन कैसा रिपोर्ट देगा? जो मुख्यमंत्री चाहता है वही रिपोर्ट देगा ना। और इसीलिए ये साजिश रची गई, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, जैसे गांधी जी को मारने की साजिश रची गई आरएसएस ने जो रची थी, उसी प्रकार आरएसएस की साजिश है। और सरकार भी आरएसएस के रिमोट कंट्रोल पर चलने वाली, चाहे महाराष्ट्र की चाहे मोदी जी की सरकार हो, वो आरएसएस के रिमोट कंट्रोल पर चलने वाली सरकार है। और इसीलिए अभी आप देख रहे हो कि क्योंकि और महाराष्ट्र वाला देश का दलित परेशान है, मुसलमान परेशान है, हमारा आदिवासी परेशान है। कठुआ में क्या हुआ? बहुत कठुआ, हमारी आसिफा नाम के 8 साल की बच्ची पर मंदिर में जाके सामूहिक बलात्कार हुआ, 5 दिन तक लगातार छोटी सी बच्ची पर बलात्कार हुआ, मासूम बच्ची। उसको मारने के पहले साला इंस्पेक्टर कहता है कि एक बार पूछिए, एक बार फिर बलात्कार कर फिर उसको मारो, कि मंदिर के अंदर में मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर न मिलने के कारण करीबन 75 बालकों की मृत्यु हो गई थी। 75 छोटे मासूम बच्चे, केवल सिलेंडर नहीं था, वेंटिलेटर जिसे कहते हैं। ये गोरखपुर के बाजू में हमारा भगवान बुद्ध का कौन सा हुए है, कुशीनगर, वह रेलवे फाटक नहीं था, स्कूल के बच्चों की बस जाके जाती और करीबन 75 बच्चे मासूम बच्चे उस हादसे में जान चले गए। और हमारे कठुआ की हमारी आसिफा गोरखपुर के अस्पताल का वो बच्चा जो स्वर्ग में पहुंचा, तो
तो उस मैनेजर ने, स्वर्ग के मैनेजर ने पूछा, अरे तुम्हारी उम्र थोड़ी यहाँ आने की, स्वर्ग में हा? जी हाँ, कैसे क्या गए? न बोले गैस सिलेंडर नहीं था, अरे इसलिए मुझे जाना पड़ा। गोरखपुर के हमारे वो बच्चों ने, वो भी पहुंच गए स्वर्ग में। उसने पूछा तुम क्यों आए भैया, अभी तुम्हारा खेलने कूदने का दिन था। बोले रेलवे का फाटक नहीं था। और आसपास से जब पूछा तू क्यों आए, आप क्यों आए बेटी, तो कहा मंदिर में राम नहीं था, मंदिर में भगवान नहीं था। तो ये हमारे देश के हालात है, देश के हालात। तो ऐसे हालात में सारा देश परेशान है, ब्राह्मणवादी जातिवादी फिर का पर शक्ति असर उठा रही है। आशीर्वाद से, सरकार के आशीर्वाद से। सबसे खतरनाक बात हमारे देश के लिए है, हमारी एकता अखंडता के लिए सबसे खतरनाक बात अगर कोई है, देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान को नहीं मानते, चीन को नहीं मानते, देश के एकता अखंडता का, हमारे आज़ादी का, हमारे प्रजा का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो इस देश की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हमारे दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अगर कोई है, नक्सलवादियों से भी, आतंकवादियों से ज़्यादा आतंकवादी अगर कोई है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन आरएसएस है। ये सारे देश पे इस प्रकार के साजिश करके सारे देश के लोगों को, देश को परेशान करना है, देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है। अभी सर विधानसभा लोकसभा आ रहा है, तो उसमें आपकी क्या भूमिका है? देखिए, अगर इस देश में अगर अच्छे दिन सही मायने में लाना है, तो जब तक ये आरएसएस के रिमोट कंट्रोल पर चलने वाले देश की सरकार को हम हटा नहीं देते, देश की जनता, तब तक देश के लोगों के लिए अच्छे दिन आना बहुत मुश्किल है। और सही में देश की जनता चाहती है कि देश में अच्छे दिन आए। तो जब तक ये नालायकों की सरकार, जातिवादियों की सरकार, ब्राह्मणवादियों की सरकार, आरएसएसवादियों की सरकार जब तक इस देश से हटती नहीं, तब तक देश में अच्छे दिन का ख्वाब भी हम देख नहीं सकते। और इसीलिए हमने ये तय किया है। अभी पिछले चुनाव में आपने देखे ना कितना वोट मिला, उनको कितना परसेंट वोट मिला, 30% वोट मिला बीजेपी को। सत्ता में आए, सब कुछ आए, मेजोरिटी में आए, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट कितना है, केवल 30%। 70% वोट उनके विरोध में गया, बिखरा हुआ था। अब हमारे देश के जितने भी विपक्ष के लोग हैं, ये बीजेपी आरएसएस जैसे इन देश विघातक शक्तियों को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है, इनको सबक सिखाना है और देश की एकता अखंडता अक्षुण्ण अगर रखना है, तो देश में समानता, भाईचारा और आज़ादी का माहौल अगर कायम करना है, तो किसी भी कीमत पर सब विपक्ष ने एक होकर, एकजुट होकर इस चुनाव में उतरना चाहिए। अपने अहंकारों को बाजू में रखकर, अपने बड़ेपन छोटेपन को बाजू में रखकर, बस एक ही मकसद, किसी भी हालत में देश के लोगों के जिंदगी में अच्छे दिन लाने का अगर कोशिश करनी है, एकमात्र इलाज, एकमात्र उपाय है कि तमाम विपक्ष एक हो जाए, अपने जो छोटी मोटी जो उनके जो विरोधाभास है उसको बाजू में करे, और बीजेपी के एक को एक, उनका एक तो हमारा भी एक ही होना चाहिए, हमारा 10 नहीं होने चाहिए, एक महाराष्ट्र में एकास एक उम्मीदवार, जहाँ पे हुआ वहाँ पे हमारे विजय हुई, जहाँ हमारे बिखरा हुआ वहाँ पे बीजेपी की जीत हुई, आरएसएस की जीत हुई। और इसीलिए हमारी कोशिश ये लगातार चल रही है। आपने देखा होगा गोरखपुर का चुनाव देखा, मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव क्षेत्र, कई बार वहाँ से चुन गया लोकसभा से, वहाँ पर मेरे साथ में भी था ना, वो 12वीं लोकसभा में वो भी था, मैं भी था 12वीं लोकसभा में, मेरे रिपब्लिकन पार्टी का नुमाइंदा करता खासदार, तब से मैं जानता हूँ उसको। तो ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, यानी वो भगवे वस्त्र डालता है, मराठी में कहावत है वर्ती भगवान खलती नागो, इस प्रकार की उनकी हालत है। तो ऐसे हालात में अगर देश को राहत पहुंचानी है, देश वैसे भी बहुत परेशान है, चंद मुट्ठी भर लोग खुश हैं, उनका फायदा हो रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है, अमीरी गरीबों के बीच की दरिया वो बढ़ते जा रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉवर्टी एनीवेयर इज ए थ्रेट टू द प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, गरीबी कहीं भी हो वो अमीरों के लिए खतरा साबित हो सकती है। और इसीलिए देश की एकता अखंडता को, देश की आज़ादी को,
देश के भाईचारे को, देश के सम्मान को और देश की समानता को अगर कायम रखना है तो किसी भी कीमत पर ये विद्यमान सत्ताधारियों को हटाने की कोशिश सभी विपक्षी के लोगों ने मिलकर करना चाहिए। हमने कांग्रेस के साथ में हमारा गठबंधन चल रहा है पिछले चुनाव से लेकर, उनके साथ में है अभी भी, बाई इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा के, अभी भंडारा में चालू है, भंडारा गोंदिया का लोकसभा का बाई इलेक्शन है, पालघर का बाई इलेक्शन है, हमारी पार्टी इनके साथ में है और इसीलिए हम यहाँ पे हमारी पूरी कोशिश ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। कौन प्रधानमंत्री बनता कौन नहीं बनता ये बात की बात है, वक्त बताएगा। पहले चुन के तो आओ, सारा थाली में रोटी नहीं, झगड़ काहे के लिए रहे तुम, जो थाली में रोटी है बाद में झगड़ो ना, रोटी नहीं तुम्हारे थाली में है झगड़ा किस बात का कर रहे हो तुम, तो पहले सत्ता की रोटी तो आने दो तुम्हारे थाली में, बाद में झगड़ा करो ना। तो ये बात कौन क्या बनेगा वो बात अलग है, लेकिन इनको हटाना ये बात तय कर ले विपक्ष के लोग, तब जाके देश का भला होगा। धन्यवाद, जय भी। शुक्रिया कवाड़े सर। ये कवाड़े सर ने हमको इंटरव्यू दे के कहा है कि देश के हालात कैसे चल रहे हैं और देश में क्या हो रहा है इसके बारे में बताया है। शुक्रिया।